आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू शिव आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की फरियाद, संबंधित अधिकारी को निस्तारण के दिए आदेश, अपने पालतू श्वान को भी दुलारा। राप्ती नगर के डॉक्टर्स इनक्लेव में लोगों की समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को दिए आदेश, कहा कच्चा नाला खोदकर जल निकासी की कराएं व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मोहरीपुर के पश्चिमी ग्राम सभा नूरदीन चक संझाई रामपुर चक जंगल बहादुर अली के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को किया राहत किट का वितरण, कहा राशन सामग्री वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं, 25 सितंबर को प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों पर लगेगा गरीब कल्याण मेला। 5 से लेकर 12 सितंबर तक चलने वाले प्रदेश व्यापी स्वच्छता महाअभियान का मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित, कहा स्वस्थ जीवन के लिए हमें स्वच्छता को बनाना होगा संस्कार। नागरिकों से की अपील, कहा कूड़ेदान में ही डाले घर का कूड़ा, स्वच्छता पर दे विशेष ध्यान। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोराबार ब्लॉक में ग्राम बेलवार कौड़ीराम ब्लॉक तथा गोला तहसील में बाढ़ प्रभावित लोगों को किया राहत किट का वितरण, कहा घबराए नहीं, केंद्र और प्रदेश की सरकार है आपके साथ, की जाएगी हर संभव मदद। शिक्षक दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के 75 शिक्षकों को किया गया सम्मानित, कुलपति ने शिक्षक दिवस की दी शुभकामनाएं, अपने एक साल के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित हुआ शहर विधानसभा प्रबुद्ध सम्मेलन, वक्ताओं ने कहा मोदी और योगी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है देश। मायर कॉन्क्लेव के तहत रविवार को योगी राज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र में रामकथा रामायण पर आधारित कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। जन जन के राम पर कवियों की जोरदार प्रस्तुति, भाव विभोर हुए श्रोता। शिक्षक दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, महाविद्यालय के नव नियुक्त शिक्षकों को पुष्प स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई के रजत पदक जीतने पर मुख्यमंत्री ने फोन कर दी बधाई, कहा प्रशासनिक दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता की हासिल, देश का बढ़ाया शान। रामायण कॉन्क्लेव के तहत रविवार को योगी राज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लगाई गई रामायण पर आधारित पोस्टर चित्रकला प्रदर्शनी, राम के जीवन पर आधारित चित्रों का किया गया सजीव चित्रण। भारतीय युवक संघ तथा शहीद रविंद्र सिंह परिवार के तत्वाधान में स्वर्गीय अंगद के स्मृति में जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, विधायक शीतल पांडे ने विजेता तथा उपविजेता टीम को मेडल देकर किया पुरस्कृत। गोरखपुर में रविवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,399। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 9 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीटेक और एलएलएम के पीजी डिप्लोमा के प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 2101 अभ्यर्थी, 717 ने छोड़ी परीक्षा, छात्रों ने कहा सिलेबस के अनुरूप था पेपर। और जनपद की तीनों नदियां उतार पर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हो रही है दिक्कत, एडीएम फाइनेंस ने कहा हर स्तर पर जिला प्रशासन करा रही है राहत सहायता।